नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और दबाइए बेल आइकन को, जिससे मेरे वीडियोस आपको रेगुलरली आपको सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, मैं आपसे माफ़ी चाहूंगा, पिछले कुछ दिनों से मेरे कई व्यूअर्स मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ कमेंट्री वाला वीडियो बनाइए। एक्चुअली समय की थोड़ी समस्या रहती है, इस वजह से कमेंट्री वाले वीडियोस में ज़रा कम बना पाता हूँ। सो दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है आपसे। वैसे तो YouTube पर रेलवे सिमुलेशंस के बहुत सारे चैनल्स हैं, सो ऐसी क्या खास बात है मेरे चैनल में जो दूसरे चैनल्स में नहीं है? ये क्वेश्चन मेरा आपसे है। सो इसका एक प्यारा सा आंसर ये है कि आपको मेरे चैनल पे कुछ ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने को मिलते हैं जो आपको दूसरे चैनल्स में आज तक कभी नहीं देखने को मिले, या पहले मैंने दिखाए उसके बाद दूसरे चैनल्स ने फॉलो किया। फॉर एग्जांपल आप देखिए, जैसे बुलेट ट्रेन का वीडियो, यस दोस्तों, वो वीडियो को अभी तक 10 लाख लोगों ने देख चुके हैं अभी तक वो वीडियो। ऐसे ही अपना इंजन्स की परेड का वीडियो, एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने पेश किया था, उसके बाद दूसरे लोगों ने अपने अपने चैनल्स पर डाला। ऐसे ही टेलगो ट्रेन का वीडियो हो गया। सो दोस्तों, ये कुछ खास चीज़ें हैं जो मेरे चैनल्स को आपके लिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं फेवरेट बनाती हैं, और मैं आशा करता हूँ आपका प्यार, आपका सहयोग मुझे आगे भी ऐसे मिलता रहेगा और मैं भी आपके लिए ऐसे एक्सक्लूसिव वीडियोस हमेशा बनाता रहूँगा। सो दोस्तों, आज का जो एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव वीडियो है, जिसका नाम तो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा, यूट्यूब थंबनेल पर, ये है दोस्तों द बर्निंग ट्रेन। जी हाँ दोस्तों, ये एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने सिर्फ आपके लिए बनाया है, बर्निंग ट्रेन। अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे द बर्निंग ट्रेन, तो आपको एक तो हिंदी मूवी है द बर्निंग ट्रेन, जिसमें डैनी है, विनोद खन्ना है, धर्मेंद्र है, हेमा मालिनी है, वो वीडियो दिखेंगे मूवी के। और आज के बाद से आपको द बर्निंग ट्रेन, MSTS ओपन रेल्स इंडियन ट्रेन सिमुलेटर का ये वीडियो भी आपको देखने को मिलेगा। अभी तक आपको ये चीज़ नहीं मिलती थी, मैंने आपके लिए एक्सक्लूसिव ये वीडियो बनाया है। सो दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पूरा का पूरा बेस्ड है जो हमारी हिंदी मूवी है द बर्निंग ट्रेन, मैंने पूरा का पूरा उसी पे बेस्ड ये वीडियो बनाया है। दोस्तों, मुझे यकीन नहीं, पूरा भरोसा है कि ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आएगा। सो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए वीडियो शुरू करता हूँ। सो ये जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हमारी सुपर एक्सप्रेस, जी हाँ दोस्तों, उस मूवी में भी ये सुपर एक्सप्रेस थी, इस वीडियो में भी मैं आपके सामने सुपर एक्सप्रेस ही पेश कर रहा हूँ। और ये जो ट्रेन है, ये भी मथुरा जंक्शन से चली है। मैं दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल उस मूवी से रिलेट करके दिखाऊंगा, जिससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आए इसमें। सो आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये सुपर एक्सप्रेस, इसके ये द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड क्लास के और नाउ स्लीपर क्लास के कोचेस जा रहे हैं। ये ट्रेन काफ़ी लंबी मैंने बनाई है, कुछ लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि आप ट्रेन जो रियल कंडीशंस में होती है कि यूजली 20 से 22 कोचेस की, सो उतनी की ही ट्रेन बनाया करिए, लेकिन कुछ और दोस्तों ने मुझे बोला कि लंबी ट्रेनें भी उन्हें अच्छी लगती हैं देखने में, तो मैं एवरेज लेके ट्रेन की लेंथ बनाता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा रहेगा, मैं आपको पूरा एक एक चीज़ डिटेल से बताऊँगा। ये जो रूट है ये मैंने सेलेक्ट किया है मुंबई, सॉरी ये है IRV2 रूट, इंडियन रेलवेज रूट, और ये रूट जो डेवलप किया है ये है हमारे मिस्टर अर्नब सिन्हा जी, बहुत ही अच्छे मित्र मेरे, बहुत अच्छा सहयोग उनसे मुझे मिलता रहा है समय समय पर, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अभी IRV3 रूट भी वो डेवलप कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप देखेंगे एक छोटा सा स्टेशन हमारे सामने आता हुआ। मैंने इस जो वीडियो है इसे पूरा का पूरा रिलेट किया है उसी मूवी से, जैसा मैंने अभी आपको बताया। सो अभी इस कंडीशन में ये ट्रेन अपनी स्पीड पकड़ रही है और इसके पूरी तरीके से ब्रेक फेल होने वाले हैं, क्योंकि अभी ये जो आप इंजन में ड्राइवर को देख सकते हैं, उस मूवी में तो डैनी ने इंजन में बम लगा दिया था, जिसकी वजह से एक ड्राइवर की इंजन के अंदर ही मौत हो गई थी और दूसरे ड्राइवर इंजन से बाहर निकल गया था बम की वजह से। बट इस सिमुलेशन में माफ़ी चाहूँगा आपसे, इसमें आपको ड्राइवर दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ये एज्यूम करिए कि
ड्राइवर अभी इंजन में नहीं है और ट्रेन बेकाबू हो चुकी है पूरी तरीके से, जिसमें कोई ब्रेक लगाने वाला नहीं है। सो दोस्तों, अभी ये ट्रेन जो है ये मथुरा से निकली थी, जैसे कि उस मूवी में भी निकली थी, और अभी ये बढ़ रही है रतलाम की तरफ। जी हाँ दोस्तों, लेकिन जैसा कि आपको, आपने वो मूवी देखी होगी, मैंने भी कई बार देखी है, उस मूवी में रतलाम स्टेशन से पहले एक छोटा सा स्टेशन है, शायद आई थिंक नागदा या नगड़ा जिसे हिंदी में कहते हैं, वहाँ से उसे फ़ोन आता है अपने स्टेशन मास्टर को रतलाम वाले पर कि उसने क्रॉसिंग का जो प्रोसीडिंग सिग्नल होता है वो नहीं दिया। सो वो सेम चीज़ मैं आपको इसमें अभी भी दिखाऊंगा, रतलाम स्टेशन दिखाऊंगा जिससे जिसमें से ये ट्रेन फुल स्पीड से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आई थिंक ये पास होती है। और अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे एक छोटा सा स्टेशन, लेकिन हमारी जो ट्रेन है ये बेकाबू हो चुकी है पूरी तरीके से, अनकंट्रोल्ड हो चुकी है, और ये स्पीड से चलती जा रही है। और जो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे उस मूवी में भी जो ट्रेन में बर्निंग इंसिडेंट हुआ था वो रात के समय पे हुआ था, तो मैं इस वीडियो में आपको पहले रात के इंसिडेंट को दिखाऊंगा, उसके बाद मैं इसमें दिन के व्यू में मीन सनलाइट में आपको बर्निंग की जो फीलिंग है वो दिखाऊंगा। तो दोस्तों, ये वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि मज़ा आपको पूरा आएगा इस वीडियो में, आप देखिए पूरा एंजॉय कीजिए इस वीडियो को। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहूँगा कि इससे पहले के बहुत सारे वीडियोस में मैं आपके लिए कमेंट्री नहीं कर पाया क्योंकि फिर समय की बड़ी समस्या रहती है, लेकिन मैंने रेगुलरली, जो कि मेरा आपसे प्रॉमिस है, रेगुलरली आपके लिए एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियोस पेश करना वो मैं ज़रूर करता हूँ। और मेरी हमेशा ये ट्राई करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए मैं एक से एक अच्छे से अच्छे वीडियोस आपके लिए पेश करता रहूँ। और मेरा आपको बहुत बहुत थैंक्स है जो आपसे मुझे इतना सहयोग, इतना प्यार मिलता रहता है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ प्लीज़ फ्यूचर में भी आपका सहयोग मुझे प्लीज़ बनाए रखिएगा, और मैं आपके लिए एक से एक एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव वीडियोस ऐसे ही लाता रहूँगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये वीडियो आपको फाइनल कैसा लगा, और आपकी अगर कोई और रिक्वेस्ट हो तो मुझे बताइएगा। बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि आप मुझे ये ट्रेन का वीडियो दिखाइए, ये स्टेशन का वीडियो दिखाइए। सो कभी कभी लिमिटेशंस होती हैं कि MSTS एंड ओपन रेल्स में वो रूट या फिर वो ट्रेन अवेलेबल नहीं होती है, तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। अगर वो ट्रेन या वो रूट अवेलेबल होगा तो मैं आपके लिए ज़रूर बनाऊँगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं किसी के साथ पक्षपात जैसा करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों की रिक्वेस्ट में मैं वीडियो बनाता हूँ, कुछ लोगों की रिक्वेस्ट में नहीं बना पाता, तो मैं बहुत बहुत माफ़ी चाहूँगा आपसे, क्योंकि हर एक ट्रेन एंड हर एक रूट अभी तक MSTS एंड ओपन रेल्स में अवेलेबल नहीं है दोस्तों। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो गेम है, अभी तक लोग मुझसे पूछते हैं कि वो अपने फ़ोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। मैं आपको फिर से बताऊँगा कि फ़ोन में इंस्टॉल नहीं कर सकते, इसके लिए आपको एक मिनिमम स्पेसिफिकेशन 2GB रैम का लैपटॉप या डेस्कटॉप चाहिए। अगर उसमें इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है तो भी ये गेम चल जाएगा, और अगर ग्राफिक्स कार्ड है तो कोई बात ही नहीं है। मेरे पास अभी इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स वाला लैपटॉप है जिसमें मैं इस गेम को प्ले करता हूँ। बहुत से लोग पूछते हैं कि आपके पास कौन सा लैपटॉप है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे पास इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स का लैपटॉप है जो मैंने US से मंगाया था। तो दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो सुपर एक्सप्रेस है, ये बहुत ही तेज़ रफ्तार से बिना ड्राइवर के अनकंट्रोल होती हुई जाती जा रही है अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। और आपने अगर वो मूवी नहीं देखी है द बर्निंग ट्रेन, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक बार वो मूवी भी देखिए, और उस मूवी से मेरे इस वीडियो को रिलेट करिएगा। मैंने काफ़ी कोशिश की है कि मैं उसकी तरह बना पाऊँ, और लेकिन जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने है, और फाइनल जजमेंट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ कमेंट में मुझे बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और फ्यूचर में भी आप इसी तरीके के वीडियो देखना चाहेंगे, देखना पसंद करेंगे, तो मैं आपका फीडबैक आपसे अवेटेड है। मुझे कमेंट पर ज़रूर बताइएगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, सब कुछ आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप के कमेंट्स मुझे बताइएगा। अभी ये जो वीडियो है, अभी तक इसमें बर्निंग का कोई इंसिडेंस नहीं है, मैं माफ़ी चाहूँगा। मैंने एक्चुअली ट्रेन जो वीडियो बनाने की कोशिश की या उसी मूवी से रिलेट करने की कोशिश की थी, तो मैं इसे अभी थोड़ा सा लंबा बनाने की कोशिश की क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो को थोड़ा सा लंबा बनाइए, तो
यानी और इसे थोड़ा सा रियल लुक देने के लिए है। एक्चुअली मेन जो बात थी वो था रियल लुक। अभी आप देख सकते हैं कि ट्रेन एक बहुत ही प्यारे ब्रिज के ऊपर से जा रही है और बहुत प्यारी सनलाइट है जिसमें आप अपनी ट्रेन की जो शेडो है उसे देख सकते हैं और बहुत ही प्यारा टर्न लेती हुई ट्रेन। अभी एक छोटा सा स्टेशन है जिससे हम बहुत ही फुल रफ्तार से क्रॉस कर रहे हैं। अगर आपने वो मूवी देखी है उसमें जो अभी मैं आपको छत का दिखा रहा हूँ ट्रेन की छत पे, सो जैसे धर्मेंद्र और जितेंद्र ट्रेन की छत पे चढ़ करके इंजन की तरफ जा रहे थे, तो बिल्कुल ऐसा ही सीन आपने उस मूवी में देखा होगा जैसा कि आप अपनी अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। धर्मेंद्र, आप इमेजिन कर सकते हैं कि धर्मेंद्र और जितेंद्र अभी ट्रेन की छत पर हैं और वो ट्रेन के इंजन की तरफ जा रहे हैं। फिलहाल तो अभी मैं आपको ट्रेन की छत का मैं आपको वर्चुअली दर्शन करवा रहा हूँ, जैसे कि आपको इमेजिन कर सकते हैं कि अभी आप खुद छत पर बैठे हुए हैं। और बहुत ही प्यारा वीडियो मैंने आपके लिए पेश किया है दोस्तों। और ये सुपर एक्सप्रेस जो अपनी रफ्तार के लिए उस समय, अभी तो खैर ट्रेन रेलवेज ने बहुत प्रगति कर ली है, बहुत सारी ट्रेनें इससे ज़्यादा रफ्तार की इंडियन रेलवेज में भी चल रही हैं, लेकिन जब ये मूवी बनी थी उस टाइम सुपर एक्सप्रेस के नाम से ये मूवी को बेस्ड थी, उसमें फुल स्पीड से सुपर एक्सप्रेस चल रही थी। सेम मैंने यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश की है, उसी कॉन्सेप्ट को मैंने कॉपी करने की कोशिश की है एक सिमुलेशन में। दोस्तों अभी तक इस टाइप का एक भी वीडियो अवेलेबल नहीं था और मेरा काफ़ी समय से मेरे सपना था, इमेज थी कि मैं ऐसा कुछ वीडियो बना पाऊँ। मैं बहुत 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 थैंक्स कहना चाहूँगा ओपन रील्स डेवलपमेंट टीम को जिन्होंने मुझे सहयोग किया इस वीडियो को बनाने में। और ये आप देख सकते हैं अभी कोई स्टेशन क्रॉस हुआ, बहुत ही बढ़िया नज़ारा आपकी स्क्रीन पे। और दोस्तों ये जो तो ये रूट है मैंने आपको बताया, जैसे कि IRB2 रूट है मिस्टर अर्णव सिन्हा जी का, बहुत ही प्यारा रूट। बहुत से लोगों को इस रूट को इंस्टॉल करने में दिक्कत आती है। एक्चुअली क्या चीज़ है कि ये जो रूट है इसके कुछ सेक्शंस, फॉर एग्जांपल न्यू दिल्ली ले लो या फिर आप पंजाब का थोड़ा बहुत ले लो या आप मथुरा का ले लो, उसमें टाइल्स का इशू है जिस वजह से आपको ग्रास या ग्राउंड नहीं दिखता है। सो आप उसको, ये ओपन रूट की प्रॉब्लम नहीं है, ये रूट में थोड़ी सी समस्या है जो मैंने, जो हमारे अर्णव सिन्हा जी को अपडेट किया गया था। तो IRB3 रूट वो जो बना रहे हैं उसमें ऐसी कोई समस्या नहीं आएगी। अभी IRB2 रूट जो है वो आप MSTS में बिना किसी टाइल्स इशू के खेल सकते हैं। ओपन रेल्स में आपको थोड़ा कम सेक्शन से उसमें आप इसे इंजॉय कर सकते हैं, कम नहीं होगा, ज़्यादा ही है, लेकिन कुछ सेक्शंस में अभी भी समस्या है और उसका अभी तक कोई सच कोई सोल्यूशन नहीं है। सो दोस्तों आप ये मत समझिएगा कि आपके सेटअप में कोई प्रॉब्लम है। तो अभी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर नगड़ा स्टेशन की तरह हमारी ट्रेन बढ़ रही है। हालांकि इस ट्रेन को नगड़ा पे रुकना था बट ये नहीं रुकेगी और फुल स्पीड से नगड़ा स्टेशन को क्रॉस करेगी और इसके बाद ही हमारा रतलाम स्टेशन आएगा दोस्तों। और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मैंने इससे पहले जो बिना कमेंट्री के वीडियो ऐड किए हैं और उनको भी प्लीज़ वॉच कीजिए, अच्छे वीडियोज हैं, भले कमेंट्री नहीं है लेकिन आपको उसमें नए अच्छे अच्छे कैमरा व्यूज़ और अच्छे अच्छे आपको ट्रैक साउंड देखने को मिलेगा। अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। और ये जो ट्रेन है हमारी सुपर एक्सप्रेस जिसका बोर्ड आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैं काफ़ी क्रॉस पास में रखा हुआ है और हम नगड़ा स्टेशन को की तरफ बढ़ते हुए फुल स्पीड में हमारी ट्रेन नगड़ा स्टेशन की तरफ जा रही है। ये हमें सिग्नल येलो सिग्नल था बट हमने अपनी स्पीड को स्लो नहीं किया क्योंकि ये ट्रेन बेकाबू ट्रेन है। नगड़ा स्टेशन अपने जैसा स्टेशन के बोर्ड पर लिखा हुआ देखा और फुल स्पीड से हमारी ट्रेन निकल क्रॉस करती हुई नागदा जंक्शन को। हालांकि ये ट्रेन यहाँ पे रुकने वाली थी बट ये नहीं रुक रही है। मैं दोस्तों इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। नगड़ा से रतलाम तक की डिस्टेंस तो काफ़ी अच्छी है बट मैं थोड़ा सा शॉर्ट करना चाहूँगा ताकि लोगों को वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा भी ना लगे। हम थोड़ी देर में रतलाम स्टेशन तक पहुँचेंगे। अभी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सुपर एक्सप्रेस न्यू दिल्ली लखनऊ। एक्चुअली मैंने जैसा कि आपको पहले भी बताया था, सुपर ये जो कोचेज होते हैं ये ओपन रेल्स या MSTS में डायनामिक नहीं होते हैं। हालांकि सुपर एक्सप्रेस जो थी वो न्यू दिल्ली से लेकर मुंबई तक चली थी उस मूवी में, वर्चुअल कह सकते हैं उसे। इस समय रेलवे के पास सुपर एक्सप्रेस नाम से कोई भी ट्रेन नहीं है।
सो जहाँ तक मेरी इमेज है, सुपर एक्सप्रेस के नाम से अभी तक कोई ट्रेन नहीं है। आप, मैं एक बार चेक कर लूँगा रेलवे की साइट पे। सो मैं आपको बता रहा था कि जो ट्रेन थी सुपर एक्सप्रेस, ये नई दिल्ली से चल के मुंबई तक के लिए बनी थी, लेकिन इस वीडियो में आपने इसे देखा न्यू दिल्ली से लखनऊ। सो ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कोचेस डायनामिक नहीं होते, सेम कोचेस हम कई जगह यूज़ करते हैं, तो ये वही चीज़ है। आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये ट्रेन जो है ये न्यू दिल्ली से मुंबई की ही ट्रेन है। और ये देखिए, अब दोस्तों मैं आपको रतलाम स्टेशन दिखा रहा हूँ, और इस समय रतलाम स्टेशन पे अनाउंसमेंट हो रहा है कि प्लीज़ प्लेटफॉर्म नंबर वन को खाली कर दीजिए। एक ट्रेन बहुत तेज़ गति से सुपर एक्सप्रेस आ रही है जिसे यहाँ पर रुकना था, बट ये नहीं रुकी। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने वो मूवी देखी होगी तो एग्जैक्टली सेम हुआ है। उसमें भी रतलाम जंक्शन पे, जहाँ पे बहुत सारे लोग गाजे बाजे के साथ स्टेशन पे अपने चाहने वालों को अपने रिसीव करने के लिए खड़े थे, वहाँ पे जब ट्रेन नहीं रुकी तो बहुत भगदड़ जैसी समस्या हुई थी, लोगों को कंट्रोल किया गया था रस्सी वगैरह लगा करके। सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए पेश की है दोस्तों। मैं चाहता तो मैं स्टार्टिंग से ही आपको इसमें बर्निंग इंसिडेंट दिखा देता, लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको थोड़ा रियल दिखाना चाहूँगा। दोस्तों ये देखिए सुपर एक्सप्रेस क्या स्पीड है, बहुत तेज स्पीड दोस्तों, आई थिंक 100 से ऊपर रहेगी। ये वीडियो मैंने खास आपके लिए बनाया है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ मुझे बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। मैंने काफ़ी सोच के, दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर अभी नाइट व्यू देख सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ाया है ताकि इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सके। दोस्तों ये अभी रतलाम से आगे चल चुकी है और काफ़ी आगे पहुंच गई है, और नाइट व्यू है। मैं आपको बहुत जल्द इसमें बर्निंग इंसिडेंट दिखाने वाला हूं दोस्तों, सो प्लीज़ एंड तक वॉच करिएगा। और ये आपको ट्रैक साइड व्यू दिखा रहा हूं, बहुत ही तेज़ स्पीड से एक बेकाबू ट्रेन बढ़ती जा रही है। और दोस्तों अभी दिल थाम के बैठिएगा, आपको थोड़ी ही देर में बर्निंग के दर्शन होने वाले हैं जब इसमें आग लग जाएगी। ये देखिए दोस्तों, अभी एक हमारी साइड में एक टैंकर ट्रेन खड़ी हुई है, और हमारी वो जो ट्रेन है सुपर एक्सप्रेस, उसमें आग लग चुकी है। अब आपको बस थोड़ी ही देर में अपनी स्क्रीन पे आग बर्निंग ट्रेन के दर्शन होने वाले हैं। दोस्तों मैं प्लीज़ एक बार फिर से बोलता हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, पूरा इंजॉय कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मैं आपके कमेंट्स, हर बंदे का कमेंट पढ़ता हूँ, मैं पर्सनली पढ़ता हूँ, और मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि रिप्लाई करूँ। सो अब अभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि सुपर एक्सप्रेस एक स्पीड से आती हुई, और उसमें एक आग लग चुकी है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें आग लग चुकी है, और बहुत ज़्यादा धुआं उड़ रहा है। आप अपनी स्क्रीन पर अगर देखेंगे तो आपको धुआँ और आग के दर्शन हो रहे होंगे। ये देखिए दोस्तों, सुपर एक्सप्रेस जिसमें आग लग चुकी है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए, तो इंजन का धुआँ था, और आपको अभी आग अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए हमारी ट्रेन में आग लग चुकी है, दिस इज़ द बर्निंग ट्रेन दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, आग लग चुकी है पूरी तरीके से कुछ बोगियों में, और ये धुआं भी उठ रहा है दोस्तों। ये देखिए, मैंने आपके लिए बर्निंग ट्रेन का वीडियो, वेरी एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने आपके लिए पेश किया, कितनी आग और धुआँ इस वीडियो में आपने अभी अपनी स्क्रीन पर देखा। ये देखिए दोस्तों, ये बड़ोदरा जंक्शन आ चुका है, और जहाँ से ट्रेन अभी बर्निंग ट्रेन हमारी जो बन चुकी है वो क्रॉस करेगी। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे बर्निंग ट्रेन बड़ोदरा जंक्शन की तरफ आती हुई, फुल स्पीड से बड़ोदरा जंक्शन की तरफ आती हुई ट्रेन। ये देखिए दोस्तों, द बर्निंग ट्रेन इज नाउ क्रॉसिंग बड़ोदरा जंक्शन। ये देखिए, मैं और नज़दीक से दिखाऊंगा। ये देखिए, कुछ कोचेज में आग लग चुकी है और धुआं निकल रहा है, और जो आप नीचे देखेंगे दोस्तों, ये थोड़ी सी लिमिटेशन है इसकी, बिकॉज दिस इज़ नॉट एक्चुअल रियल, दिस इज़ साइमुलेशन। सो इसको मैंने कोशिश किया कि मैं आपके लिए बनाऊं। ये देखिए कितना धुआं है, बहुत ज़्यादा धुआं बर्निंग की वजह से होता हुआ। ये आपको धुआं मैं और पास से दिखाना चाहूँगा। मैं आपको इसका कोच का इंटरनल व्यू भी ज़रूर दिखाऊँगा, ताकि आप उस चीज़ को फील कर सकें कि अगर बर्निंग ट्रेन होती है तो उसके अंदर बैठे यात्री अगर होंगे। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि ऐसा कभी भी ना हो हमारी रेलवे में, ना केवल हमारी रेलवे में, पूरी दुनिया भर में ऐसा कहीं भी ना हो कि किसी बर्निंग ट्रेन, कोई ट्रेन में आग लगे। मैंने ये वीडियो बनाया है सिर्फ इसलिए कि आपके एंजॉय के लिए। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसा कभी भी रियल में कभी भी ना हो,
वो जो मूवी थी वो तो खैर एक मूवी थी, उसमें तो हो सकता है लेकिन रियल में कभी भी ना हो। सो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं बर्निंग ट्रेन, जिसमें से कुछ कोचेस में आग लगी हुई है और धुआं निकल रहा है, ज़ोरों से धुआं निकल रहा है। सो दोस्तों ये कोई एक स्टेशन है जिसे हम ड्राइवर नहीं है। और ये देखिए मैं आपको जनरल कोच व्यू दिखाना चाहूँगा आग का। ये देखिए दोस्तों अपनी आग की लपटें, आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर कोई बंदा इसमें रियल में बैठा होता तो नीचे आग ही आग है। आप देख सकते हैं इतनी आग अगर होती तो आदमी इंसान कोयला बन जाए, ऐसी ज़बरदस्त आग है ये। तो दोस्तों अब मैं आप इस समय आपको इंटरनल व्यू दिखा रहा हूँ। ये देखिए आग लग चुकी है पूरी तरीके से कोच में और धुआं निकल रहा है, फुल धुआं निकल रहा है। सो दोस्तों उस मूवी में भी जो बर्निंग सीन था वो नाइट का ही सीन था, लेकिन मैं आपको इसमें आगे आपको डे का व्यू दिखाना चाहूँगा ताकि दोनों व्यूज़ आपको एक ही वीडियोस में मिल जाएं, मुझे दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े। एक ही वीडियो में आपको पूरा बर्निंग ट्रेन दिखाना चाहूँगा मैं। तो आप अभी अपनी स्क्रीन पे, मैं आपको फिर से दिखाऊँगा बर्निंग कोचेस। आपको बार बार मैं बढ़िया से बढ़िया चीज़, बढ़िया से बढ़िया व्यू दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए आग, आग ही आग लगी हुई है मूवीज में और क्या धुआं निकल रहा है। ये देखिए दोस्तों क्या धुआं है, बेहतरीन नज़ारे के साथ आपके सामने इस समय द बर्निंग ट्रेन मैंने आपके सामने लिए पेश की। दोस्तों बहुत ही प्यारा नज़ारा आपको देखने को मिला अपनी स्क्रीन पे। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपको अगर इसमें कुछ बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे, लेकिन आपको मैं एक अच्छा वीडियो दिखाने के लिए मैंने काफ़ी समय से प्रयत्न किया। अब मैं आपको इसमें आपको डे व्यू दिखाना चाहूँगा। ये मुंबई का परेल स्टेशन है जहाँ पे ये बर्निंग ट्रेन आने वाली है, बस कुछ ही छड़ों में आपके सामने होगी बर्निंग ट्रेन। तो दोस्तों आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, देखिए इस वीडियो का डे का व्यू मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एक बार फिर से मेरी रिक्वेस्ट है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप फ्यूचर में भी ऐसे ही वीडियोस, एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव वीडियोस आप देखना चाहेंगे, मैं जानता हूँ आप ज़रूर देखना चाहेंगे, तो मेरे से जुड़े रहिए दोस्तों। सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। और ये देखिए दोस्तों अभी ट्रेन हमारी स्टेशन की तरफ बढ़ती हुई, मैं आपको थोड़ा पास से दिखाता हूँ। ये कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था ये FOB को चेंज कैसे करते हैं, तो बहुत ही आसान है दोस्तों। आप अपने माउस का जो मिडिल वाला बटन होता है ना, जैसे आप स्क्रॉल करते हैं, उससे आप स्क्रॉल करके इस FOB को बहुत आराम से चेंज कर सकते हैं। किसी और ने आपको ये चीज़ नहीं बताई, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बहुत आसान है। इसके लिए कोई की नहीं दबानी आपको कीबोर्ड की, माउस से कंट्रोल करना है, बहुत आसान चीज़ है दोस्तों। ये आपको मैं इस समय डे व्यू बर्निंग ट्रेन का दिखा रहा हूँ। उस ट्रेन, उस मूवी में एक्चुअली डे में नहीं था, लेकिन मैंने इस वीडियो बनाया इसलिए मैंने आपको सोचा मैं आपको दिखाऊं। और बहुत ही प्यारा नज़ारा ये आग का और ये धुआं, देखिए क्या एक्सक्लूसिव वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, मुझे बताइएगा कि ये बर्निंग ट्रेन का एक्सक्लूसिव, वेरी एक्सक्लूसिव वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।